हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ ऑसम। तो आज देखिए, आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक 22x36 नॉर्थ फेस प्लान। इसमें जो कंसिडर करता है 2 BHK, तो एक डिफरेंट चीज़ है कि इसका बेडरूम जो है मिडल में है। सबसे पहले आपको एक कलर दिखाने से पहले और एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी, तो जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ग्रेडियंट जिसके अंदर पूरे कलर देख सकते हैं। एंड तो आज इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ तो कंप्लीट कॉलम साइज़, कॉलम पोजीशंस, कॉलम्स के अंदर कितना में उनका बार यूज़ करना चाहिए और इसका टोटल एस्टिमेशन, सो टोटल एरिया कितना है एंड इसे बनाने के लिए अराउंड कितना समय लगता है, अगर वर्कर्स जो है ऑन टाइम मिल गए तो पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा आपको। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ से जो एंट्रेंस नॉर्थ फेस, यहाँ से पैसेज एरिया, ये आपका हॉल है, इस ये बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, किचन, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। एक मिस्टेक है यहाँ पे, सिर्फ एक करेक्शन, जो हॉल का साइज है ना उसे चेंज कर सकते हैं आप, वो एक एडिट करने में याद गया है। तो हॉल का साइज़ है 16x9'6" का आपका हॉल रहेगा। एक करेक्शन कर लीजिए, 16x9'6" का जो है हॉल है। एंड मेरा मोबाइल नंबर है 8095615113। दोबारा बताना चाहता हूँ 8095615113। तो फिलहाल बंद किया गया है बिकॉज मेरा अपना पर्सनल वर्क है, अराउंड एक मंथ तक थोड़ा मैं बिजी हूँ, नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, दूसरा अपना वर्क है, तो उसकी वजह से फिलहाल देखिए मैं कॉल्स नहीं ले रहा हूँ। तो टुडे डेट इज़ 24 अक्टूबर 2018। तो बात करते हैं इस प्लान के बारे में। जैसे नॉर्थ फेस है, नॉर्थ फेस बट इसका मेन डोर जो है ईस्ट साइड है, नॉर्थ फेस बट मेन डोर इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट, जहाँ पे सनराइज़ होता है उस तरफ। एंड एंटर होते हैं हॉल, हॉल का साइज 9'6x11' का एक हॉल। एंड वहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम नंबर 1 में, जिसका साइज 10x10 फीट, एक नॉर्मल साइज़ बेडरूम। और यहाँ सामने टीवी रख सकते हैं आप। फिर यहाँ देखिए किचन है, किचन का साइज 6'6x8'। एंड ये है बेडरूम नंबर 2, 9x9 फीट का, 9x9 का बेडरूम है। एंड यह है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, जिसका साइज 4x7 फीट कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। एंड पीछे जो है ऑफसेट दिया गया है 2 फीट का ऑफसेट इस बेडरूम के लिए, यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा। एंड कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए देखिए यहाँ पे एक वेंटिलेटर आ जाएगा। एंड स्टेयरकेस के नीचे आप चाहें तो एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ बना सकते हैं, एक ऑप्शनल रहेगा। एंड स्टेयरकेस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मूविंग फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स दी साउथ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ की तरफ से चल जाना है स्टेयरकेस का पोजीशन। और किचन, जब हम आते हैं किचन, किचन का साइज 6'6x8' का है किचन, किचन विद यूटिलिटी, ताकि जो भी बर्तन रहते हैं ना उसे आप क्लीन कर सकते हैं, बर्तन मांजने के लिए जो जगह रहेगा वहाँ पे। तो बात करते हैं हम वॉल साइजेस, तो ये है 9 इंच का वॉल साइजेस। एंड ये है आपका 6 इंच का वॉल कंसिडर किया है फिलहाल इस प्लान के लिए, तो एक्चुअल में आ जाएगा 4.5 to 5 इंच आफ्टर प्लास्टरिंग। आफ्टर प्लास्टरिंग देखिए अराउंड 5.5 इंच तो जरूर आ जाएगा। एंड 9 इंच का दीवार है, 9x12 का कॉलम्स है, कॉलम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं 4 नंबर ऑफ बार्स, 12mm के 4 बार यूज़ कर लीजिए। एंड उसका डीप डिपेंड करता है बट मोटाई जो है, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है 3x3 भी ले सकते हैं या फिर 4x4 भी। इन छोटे डिज़ाइंस के लिए कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाने का कोई नेसेसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। इवन बिना इंजीनियर के भी आजकल घर बांध सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही है, प्लान लेना चाहिए। फिर क्या है, जो भी बीच बीच में थोड़े स्मॉल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उस वक्त क्या है कोई गाइडेंस देने वाला नहीं रहता है, तो उसको ऐसे इंजीनियर्स को हायर करना अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेटर रहेगा। और कॉलम पोजीशंस, यहाँ पे पहला कॉलम, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से जो है फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, सो टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसमें दिक्कत यही है कि सिर्फ एक बाइक ठहरा सकते हैं उतना ही,
पार्किंग स्पेस काफ़ी कम है, बिकॉज़ 22x36 में 2 BHK बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा। एंड इसका टोटल एरिया, तो देखिए टोटल एरिया है 792 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है। एंड इसके इसे बनाने में आपको तो अराउंड 12 लाख का खर्चा आ सकता है इसे बनाने में, विथ इंटीरियर डिज़ाइन 12 to 13 लाख में बन जाएगा आराम से। और एक ब्यूटीफुल हाउस विथ सीलिंग के साथ बिना फर्नीचर का। और बात करते हैं प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग किस तरह से आप बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका मेन स्टोरेज टैंक रहेगा, यहाँ पे छोटा सा बोरवेल ले सकते हैं, यहाँ पे जो फर्श के नीचे दबे रहेगा, मतलब कवर अप हो जाएगा ग्राउंड लेवल या फिर पार्किंग लेवल पे। तो पार्किंग लेवल जब उसके अनुसार ले सकते हैं, जैसा हाइट कितना लेना चाहिए कितना नहीं, बट एक मैं रिकमेंड करता हूँ 5 फीट आपका हाइट रहना चाहिए फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दी डोर लेवल तक। तो हाइट रहे तो क्या है, थोड़ा पैसा खर्च होता है ज़्यादा, बट हाइट पे रहना चाहिए कभी भी घर। तो फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो में, एंड ओके दैट्स इट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो सो जो भी आप कॉल या फिर आप माय व्हाट्सएप पे मैसेज बैक नहीं किया तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज ड्यू टू माय ओन वर्क थोड़ा बिजी हूँ उसकी वजह से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।